गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी कहे जाने वाले छत्रधर महतो को NIA ने गिरफ्तार किया है। साल 2009 में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को कथित तौर पर हाईजैक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा है कि कल असम और बंगाल में 2 चरण का मतदान पूरा हुआ है। मैं BJP की ओर से पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रथम चरण के मतदान के लिए दोनों राज्यों की जनता को धन्यवाद करता हूं। प्रथम चरण में मतदान जो हुआ है, इसलिए दोनों राज्यों की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ में भारी मात्रा में मतदान कर उन्होंने इस चुनाव में हमारे लिए शुभ संकेत दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा मतदान और आसाम में 79% से ज्यादा मतदान, ये मतदाताओं का भारी उत्साह बताता है। ये दोनों राज्य, आसाम कुछ सालों पहले और बंगाल इस चुनाव के पहले हर चुनाव में चुनावी हिंसा के लिए जाने माने वाले राज्य हैं। दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, एक भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में आने वाले दिनों के लिए दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत हैं। जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही है। कांति दक्षिण के माजिनिया में बड़ी संख्या में तृणमूल समर्थक बूथ के भीतर घुस गए और मतदान को बंद करा दिया। इनका अभियोग था कि उनके द्वारा डाले गए वोट BJP में जा रहे हैं। TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खड़गपुर में कहा है कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है और PM बांग्लादेश गए हैं और बंगाल पर व्याख्यान दे रहे हैं, ये पूरी तरह से चुनाव प्रचार संहिता का उल्लंघन है। नोटबंदी का रुपया कहा गया, पूछिए रेल बेचेंगे, रेल का रुपया कहा गया? पहले तो डील हो गया, कोल बेचेंगे तो कोल का रुपया कहा गया, BSNL के रुपया कहा गया, बैंक का रुपया कहा गया? सब चीज को बेच देता है और अपना नाम पे स्टेडियम बनाते हैं। और देखो इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। मेरे को पता है लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, इट इज इक्वल फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। मे आई रेज वन क्वेश्चन? फिरदौस करके एक लड़का बांग्लादेश से आए थे, वो फिल्म स्टार थे। लास्ट टाइम इलेक्शन में, शायद वो लोकसभा इलेक्शन में 19 का लोकसभा इलेक्शन में हमारा एक रैली हो रहा था, उन्होंने जाके वो रैली में शामिल हुआ जस्ट दिखाने के लिए, देखो हम बांग्लादेश से आए, तुम लोग को शुभकामना देने आई हुई है। ये BJP लोग जाके बांग्लादेश गवर्नमेंट की से बात करके ये इंडिया गवर्नमेंट उसको वीजा बातिल कर दिया। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर से 2 प्रतिष्ठित संस्थान IIM अहमदाबाद और IIT गांधीनगर काफी प्रभावित हुए हैं और इन 2 संस्थानों में सक्रिय मामलों की संख्या दोहरे अंकों में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में इस समय संक्रमण के 40 मरीज हैं, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में 25 मरीज हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली में अब शादी समारोह में शामिल होने वाले अधिकतम लोगों की संख्या घटाकर 100 कर दी गई है। ये नियम बंद जगहों जैसे बैंक्वेट हॉल के लिए होगा। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में परीक्षा कराने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
बैठक के बारे में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए कहा है कि अप्रैल के महीने में जो भी परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, उन्हें अब मई में शुरू किया जाएगा। प्यार करने वालों को दिल्ली सरकार ने एक तोहफा दिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अंतर जातीय या दूसरे धर्म में शादी करने वाले और ऐसे कुंवारे जोड़ों के लिए स्पेशल सेल गठित करने का निर्णय लिया है, जिनके रिश्ते का विरोध उनका परिवार, स्थानीय समुदाय या खाप कर रहा है। ऐसे जोड़ों को उत्पीड़न से बचाने और सुरक्षा देने के लिए दिल्ली सरकार ने सेफ हाउस बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को अवैध हथियारों के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। UP सरकार की स्पेशल टास्क फोर्स ने मेरठ में अवैध हथियार बनाने वाले एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। SDF ने इसके लिए छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को मौके से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जो अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में SDF की टीम और मेरठ पुलिस की टीम ने CO SDF ब्रजेश के नेतृत्व में एक छापा मारा, वो TP नगर में हुई, जहां पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई जो बहुत ही आधुनिक तरीके की और बड़े पैमाने पर वहाँ वेपन बनाए जा रहे थे। वहाँ से भारी मात्रा में फैक्ट्री और बने पिस्टल और बाकी वेपन बरामद किए गए। इसी क्रम में उनसे पूछताछ के आगे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में CO STF वहाँ की पुलिस और SPCP इन लोगों ने रेड करी। वहाँ से भी भारी मात्रा में वेपन बरामद हुए और दो गिरफ्तार हुए। इसके बाद उनसे जो सूचना प्राप्त हुई उस क्रम में एक निशाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दबिश दी गई, जहाँ 3 पकड़े गए हैं। वहाँ से भी काफी बड़ी मात्रा में वेपन बरामद हुए हैं और SP देहात के नेतृत्व में और थाना क्षेत्र इसी क्रम में रेड की गई और उसमें भी भारी मात्रा में वेपन बरामद हुए। इस प्रकार से कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 133 पिस्टल और कंट्री मेड पिस्टल, गोलियां, बंदूकें, ये सारी फैक्ट्री का बहुत सारा सामान, दो फैक्ट्रियों का, जिसमें से एक फैक्ट्री निशाड़ी गेट में और एक शुरू में जो पूरब में पकड़ी गई थी वो है, और काफी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र को नरेंद्र मोदी सरकार की धमकी दी है। राकेश टिकैत ने इस बार कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो 16 राज्यों को बिजली काट देंगे। राजधानी दिल्ली के GTB अस्पताल से फिल्मी स्टाइल में अपने साथियों की मदद से भागने वाले गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा मारा गया। दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए फज्जा ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। फज्जा के दो दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में शनिवार को एक छोटा एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 3 पायलट घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान हादसे की जानकारी गांधीनगर के SHO अरुण शर्मा ने दी है। हादसे की एक तस्वीर भी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। कहा जा रहा है कि इनमें से 2 बैंकों का निजीकरण अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने आज चेन्नई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, BJP और अंधाधुमुख पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि तमिलनाडु के CM जब मोदी शाह के पैर छूते हैं, उनके सामने झुकते हैं तो देखकर बुरा लगता है। அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரிய வரும் எதுக்கு நான் இங்க நீங்க நின்றுட்டு இருக்கேன், எதுக்கு நான் இவ்வளவு தீவிரமாக ஒரு BJP-யையும் அதிமுகவும் எதிர்த்து நான் போராட இங்க வந்திருக்கேன்றது உங்களுக்கு புரியும். And why I have put all my energy into fighting them. என்னுடைய முழு வலிமையும் இந்த சண்டையில நான் ஏன் போடுறேன்றது உங்களுக்கு புரிய வரும். Sometime back when I was a member of parliament from Amethi, one of the local leaders left the Congress and went to the BJP. Punjal munnadi na Amethi ke nadal mandal urupinaraga irkumbode oruvarin nam Congress party vittu vera party center, and he was a junior fellow. Avar miyum ilamayanavar. The day he joined the BJP, because he was joining from nearby my constituency, the senior ranks of the BJP brought him into the party. Our BJP
என்னைக்கு போய் அவங்க சேர்ந்தாங்களோ அன்னைக்கே சீனியர் மெம்பர்ஸ் யார் ரொம்ப பெரிய மெம்பர் பிஜேபியில இருக்காங்களோ அவரை அவர்களுடன் சேர்த்து கொண்டார்கள். हरियाणा में गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ निर्माणधीन फ्लाईओवर अचानक गिर गया। इस हादसे में मौके पर अफरा तफरी मच गई। एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना सुबह 6-7 बजे की बताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।